शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अपने एक दिवसीय दौरे पर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तेलका पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका के भवन का शिलान्यास किया, जिसका निर्माण 5,45,00,000 की लागत से होगा। इस दौरान मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले लंबे समय से इस इलाके के लोगों की मांग थी यहां बच्चों के लिए बेहतरीन भवन की सुविधा प्रदान की जाए। इसी को देखते हुए हमने 2023 में 5,45,00,000 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद हमने 1,75,00,000 रुपए का टेंडर लगा दिया है। ये कार्य PWD विभाग की ओर से करवाया जाएगा। सबसे पहले मैं तेलका हमारे साथ लगते क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो काफ़ी समय से वर्षों से यहाँ पर मांग रही है कि यहाँ पर एक अच्छी हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बने। और इससे संबंधित मैडम आशा कुमारी जी, जो पूर्व में स्वयं शिक्षा मंत्री रही है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की स्थानीय जनता जनार्दन ने मुझे इस बारे में संपर्क किया था। और पिछले वर्ष 2023 में हमने इसके लिए 5,45,00,000 की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करके लगभग कोई 1,75,00,000 की राशि रिलीज कर दी है। और इसका टेंडर भी लग चुका है लोक निर्माण विभाग के द्वारा, और शीघ्र जो आपकी शेष रही राशि है वो भी PWD डिपार्टमेंट को उपलब्ध करवा दी जाएगी। और मेरा तो यही डिपार्टमेंट से, यही PWD विभाग से रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र एक निश्चित समय अवधि में ये आपकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो, ताकि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, आने वाला भविष्य इस क्षेत्र का, उनको इसका लाभ मिल सके। हमारा चंबा क्षेत्र का कार्यक्रम है और माँ भलाई के आशीर्वाद से बहुत सी शुभ समाचार सुनने को मिल रहे, और बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत रही है। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की आशा है कि वहाँ पर भी हमारी इंडिया लाइन्स वहाँ पर चुनाव जीतेगी, और निश्चित रूप में एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ इसका भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी शुभ समाचार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल।